Good morning, students. Students, we are on the fifth part of chapter 5 of history. Students, today our topic is reason and empire. As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, जैसा कि मुगल एम्पायर के दौरान जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, मतलब कि जो बिल्डिंग निर्माण का जो कार्य था, वो 8th और 18th सेंचुरी के बीच दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ रहा था. देर वॉज ऑल्सो अ कंसीडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. उस टाइम जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ का मतलब एक संस्कृति, एक सभ्यता या संस्कृति दूसरे रीजन की सभ्यता या संस्कृति को ग्रहण कर रही थी, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था एक दूसरे के ऊपर. तो इस तरह से जो आपस में जो राज्य थे वो एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर रहे थे. द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर एडॉप्टेड बाय अनदर. और इस तरह से एक रीजन के द्वारा दूसरे रीजन की जो ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, वो एक दूसरे की परंपराओं को ग्रहण कर रहे थे. इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट टेबल ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. विजयनगर में जो द एलिफेंट्स स्टेबल है, मतलब कि एलिफेंट स्टेबल क्या है, शेल्टर ऑफ रॉयल एलिफेंट्स, जहाँ पे रॉयल एलिफेंट का शेल्टर होता है उसे एलिफेंट स्टेबल बोलते हैं. जैसे हॉर्स के लिए स्टेबल होता है, ऐसे ही एलिफेंट के लिए स्टेबल होता है. जैसे कि विजयनगर में जो एलिफेंट स्टेबल था शासकों का, वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. वो जो एलिफेंट स्टेबल था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था जो आर्किटेक्चर स्टाइल था इन एडजोइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा. एडजोइनिंग का मतलब जो बिल्कुल पास में लगते हुए क्षेत्र, जैसे कि बीजापुर और गोलकुंडा की जो सल्तनत थी, वहाँ का जैसा आर्किटेक्चर था ना, वो उस आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था वो कहाँ देखने को मिला, एलिफेंट स्टेबल में. कहाँ पे, विजयनगर में. और दूसरा एग्जाम्पल है इन वृंदावन नियर मथुरा. वृंदावन में मथुरा के पास टेंपल वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चुरल स्टाइल. जो टेंपल्स बनाए गए थे उनका जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल था, दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेज इन फतेहपुर सीकरी. वो फतेहपुर सीकरी में जो मुगल्स महल थे उनके जैसा था, मतलब कि मुगल्स के जो महल थे फतेहपुर सीकरी में और जो वृंदावन मथुरा में जो टेंपल थे उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो सेम था. द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल. और बहुत बड़े बड़े साम्राज्य की रचना, जिस जो जो कि दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल, जिन्होंने काफ़ी सारे क्षेत्रों को अपने शासन के दौरान लाया, मतलब कि काफ़ी सारे रीजन्स को मिला के जिन्होंने अपने पूरे एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स. क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ डिफरेंट आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चुरल स्टाइल, मतलब मिला जुला रूप. जो आर्टिस्टिक फॉर्म्स थी और जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल था, मतलब कि बिल्डिंग निर्माण और कलाकारी के जो फॉर्म्स थी, उन सब का मिला जुला रूप वो देखने को मिला एक राजा के एम्पायर में, एक राजा के एम्पायर में जो कि डिफरेंट रीजन से उसने अपने एम्पायर को बनाया था. मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड. मुगल रूलर्स विशेष रूप से बहुत ही निपुण थे इन अडेप्टिंग. इन अडेप्टिंग का मतलब अपने आप को अनुकूलित करने में, अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल. जो रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल था, क्षेत्रीय जो बिल्डिंग निर्माण का जो स्टाइल था वो उसको
उसके अनुसार जैसा दूसरे को देख के उसी के अनुरूप अपना बनाने में बनाने की कला में वो बहुत निपुण थे। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ। उदाहरण के लिए बंगाल में जो लोकल रूलर्स थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ, उन्होंने जो छत डेवलप कर रखी थी ना, दैट वॉज डिज़ाइन टू रिजेंबल अ थेस्ट हट। उनकी जो शेप थी वो थेस्ट हट होती है ना जिस तरह से, तो उनकी शेप जैसी उन्होंने अपने जो छत हैं उनका निर्माण कर रखा था। उनके जो डिज़ाइन था वो एक झोपड़ी की तरह था। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर। और जो मुगल्स थे उन्होंने भी इस बंगला डोम को बहुत पसंद किया और उन्होंने भी अपनी आर्किटेक्चर में इस स्टाइल को यूज़ किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट। जो दूसरे क्षेत्र थे उनका प्रभाव भी देखने को मिला। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, अकबर की जो कैपिटल है फतेहपुर सीकरी में, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। जो फतेहपुर सीकरी है ना, उस वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ उन बिल्डिंग्स में गुजरात और मालवा का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसका बहुत प्रभाव है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग्स। किसकी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बनी हुई है? गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चरल स्टाइल के अकॉर्डिंग। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स रूलर्स वेंट इन द 18th century, यद्यपि जो मुगल रूलर्स की जो अथॉरिटी थी, उनकी जो पावर थी, वो 18th century आते आते समाप्त हो रही थी, वेंट का मतलब कम हो रही थी। द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैटर्नेस, लेकिन उनके शासनकाल के दौरान जो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ था वर कंस्टेंटली यूज्ड एंड एडप्टिड। वो जो स्टाइल था मुगल्स का, जो बिल्डिंग निर्माण का जो स्टाइल था, वो लगातार यूज़ किया गया और एडप्ट किया गया बाय अदर रूलर्स, दूसरे शासकों के द्वारा। वेन एवर दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम, जब भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की तो उन्होंने मुगल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसको ही यूज़ किया, उसको ही एडप्ट किया। विद दिस अवर लेसन इज फिनिश्ड स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।